उसके दिल के बारे में। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी धरती पर है और धड़क रहा है। ऐसी मान्यता है कि उसे भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर में स्थापित किया गया है। वैसे तो इसकी बहुत कहानियां हैं कि वो दिल जगन्नाथ पुरी कैसे पहुंचा, लेकिन आज मैं आपको उसमें से सबसे फेमस कहानी बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत से। महाभारत में कृष्णा जी को एक कर्ज मिला था क्वीन गंधारी से कि उनके पास सिर्फ 36 इयर्स और हैं जीने के, और जैसे उन्होंने किन डायनेस्टी को एक दूसरे से लड़वा के मरवाया था, वैसे ही उनकी यादव क्लैन को वो भी ऐसे ही मरेगी एक दूसरे को मार। तो 35 इयर्स कृष्णा जी हैप्पीली अपने बेटे सांभा और अपनी क्वीन के साथ रहे। उसके बाद एक दिन सप्तऋषि उनसे मिलने आए। तब सांभा ने उनके ऊपर एक प्रैंक प्ले किया, जिसमें वो एक लड़की जैसे ड्रेस हुआ और उसने अपने कमर पे एक मेटल की बेल्ट बांध ली, जिससे वो एक प्रेग्नेंट लड़की दिख रही थी। फिर उसने सप्तऋषि उसे कहा कि आप बता सकते हो क्या कि जो मेरे अंदर है वो मेल है या फीमेल। तो एक ऋषि को पता चल गया कि हमारे ऊपर एक प्रैंक प्ले किया जा रहा है। तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जो भी तुमने पहना है वो पैरा होता है। उसके बाद अगले दिन सांभा को पेट में दर्द हुआ और फिर सांभा के दोस्तों ने कृष्णा जी को सब कुछ बताया। उसके बाद उस चीज को निकाल के पानी में फेंक दिया गया और एक मछली ने आके उस चीज को खा लिया। फिर एक फिशरमैन ने उस फिश को पकड़ लिया और जैसे ही वो फिश को खा रहा था तब उसे वो चीज मिली, तो उसने एक जगह पे उसे रख दिया और चला गया। उसके बाद यादव क्लैन आके पीने लग गया और नशे में एक आदमी ने उठाया और दूसरों को मारने लग गया। ऐसे ये एक वॉर में बदल गया। बलराम जी और कृष्णा जी भी वहां पर लड़ने आए, तब बलराम जी की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद यादव क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद कृष्णा जी जब बहुत दुखी थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब जरा नामक एक हंटर ने आके उनके पैर को एक टियर का कान समझ के मार दिया थी और कृष्णा जी की मृत्यु हो गई। जब जरा को उसके गलती का एहसास हुआ तो कृष्णा जी को उसने क्रिमिनेट किया, लेकिन उसने एक चीज देखी, वो हैरान रह गया कि बाकी सब ऐश में बदल गया लेकिन उनका दिल तब भी धड़क रहा था और जल रहा था। तो उसने दिल को उठा के पानी में फेंक दिया क्योंकि वो जल रहा था। तो वो चीज वेस्ट कोस्ट से तैरते तैरते ईस्ट कोस्ट पहुंच गई, मतलब पूरी पहुंच गई। फिर शबरा एक ट्राइबल मैन को मिला और शबरा कोई और नहीं बल्कि जरा का री इनकारनेशन था। तो उसने उसे एक जगह स्थापित करके उसकी पूजा करने लगा। जब किंग इंद्र यमू को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक प्रीस्ट को भेजा उस चीज को लाने के लिए। तो जब वो प्रीस्ट वहां पर पहुंचा तो उसे उस शबरा की डॉटर से प्यार हो गया, उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद जब वो शबरा से गया तो उसने बोला क्या तुम अब अपने सारे लोगों को भी नहीं बताओगे कि तुमने कहाँ रखा है। फिर शबरा ने उस प्रीस्ट की आंखों पे पट्टी बांधी और उसे ले गई। उसके बाद प्रीस्ट को पता था कि वो ऐसा आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं देख पाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसने मस्टर्ड ऑयल के सीड्स को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और जैसे जैसे वो जा रहे थे वो गिराते जा रहा था, जिससे कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल के क्रॉप्स ग्रो हो गए। तो उसके बाद वो किंग के पास दौड़ा और उसने बोला कि मेरे को पता चल गई कहाँ है वो चीज़। तो वो लोग सेना को लेकर गए, लेकिन फिर वो चीज़ वहाँ नहीं थी। फिर राजा ने एक बेड बनवाया और उसके ऊपर लेट के बोला मैं आमरण अनशन करूँगा जब तक मुझे वो चीज़ मिल नहीं जाती। फिर उसके बाद उस रात जब वो सो रहे थे तब उन्हें ड्रीम आई कि तुम्हें सी शोर के पास वो एक वुड लॉग मिलेगा जिससे तुम 3 मूर्तियाँ बनवा के एक टेम्पल में स्थापित कर। फिर राजा उठ के सुबह सी शोर के पास गए तो उन्हें एक वुड लॉग दिखा जिसके ऊपर वो चीज़ थी। तो उसके बाद उसे फिर उनका सबसे बेस्ट कारीगर को बुलाया गया जिससे मूर्तियाँ बनवाने जाने वाली थी। तो जैसे उसने उसे छुआ तो उसकी उंगली टूट गई। फिर एक बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया लेकिन सबकी उंगली टूट गई।
साल का व्यक्ति आया और बोला, मेरे को एक डंजन चाहिए जिसके अंदर मैं 21 डेज के लिए रहूंगा और कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं वहां पर बैठ के बना लूंगा। तो किंग ने उसे इजाजत दे दी और एक डंजन भी दे दिया। फिर 14 दिनों के बाद उन गार्ड्स जो वहां पर रहते थे डंजन के डोर पे, उन्होंने आके किंग को बोला कि अंदर से जो हैमर की आवाज आती थी वो बंद हो गई। फिर क्वीन को चिंता होने लगी कि शायद वो खाने और पीने का ना मिलने की वजह से वो मर गया होगा। तो उन्होंने बहुत जिद करके वो दरवाजा खुलवाया। तो फिर 15 दिन के बाद जब दरवाजा खोला गया, तब वो व्यक्ति वहां से गायब था और वहां पर 4 मूर्तियां बनी हुई थी। एक था बलराम जी, दूसरा था सुभद्रा माता और तीसरा था कृष्णा जी और चौथी जो सुदर्शन चक्र था वो आधा बना हुआ था। जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर ही वो चमकती हुई चीज रखी गई थी जो कृष्णा जी का हार था, और उन्हीं मूर्तियों को वैसे ही टेंपल में रख दिया गया और आज भी वहीं पर है। और हर 12 या 15 साल में इन मूर्तियों को रिनोवेट किया जाता है, क्योंकि ये जो कृष्णा जी का हार्ट है उससे रेडिएशंस निकलती है जो लकड़ी को सुला देती है, इसलिए हर 12 या 15 साल में उन्हें रिनोवेट किया जाता है। और ये लकड़ी की इसलिए बनती है क्योंकि लकड़ी एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ऐसा माना जाता है कि कृष्णा जी के हार्ट से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इसलिए उसे लकड़ी का बनाया जाता है। तो इस तरह बना जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर, और ये थी कहानी हमारे कृष्णा हार्ट की। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।